अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष का कॉल आ गया, लगता है वो आ गया है। हाँ आयुष, आ गए तुम? हाँ शालू, तुम्हारे पीछे ही हूँ मैं। अच्छा सुनो, जस्ट टू कंफर्म, एक बार हाथ निकाल के वेव करो ना। हाँ हाँ। बहुत सही, ठीक है। आ गया वो। मुझे एक बात बताओ शालू, ये तुम्हारे आगे वाले ऑटो में वही मालिक ही जा रहा है ना? हाँ, हमने उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें ओवरटेक करूंगा और उस ऑटो के पीछे मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा। बहुत देर से तुम लोग पीछा कर रहे हो ना, ऐसा ना उसको शक हो जाए, है ना? हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, आ जाओ। भैया आप थोड़ा धीरे चलाओ, हमारा कोई आ गया। मतलब कौन? वो मेरा जीजू है। मतलब वो हम दोनों के जीजू का भाई है, हमारा रिश्तेदार है हमारे साथ। आप भैया आप थोड़ा धीरे चलाइए प्लीज, ताकि वो हमारे आगे आ सके और ये ऑटो वालों को शक ना हो कि हम कब से उसका पीछा करें। ठीक है मैम। अब आयुष पीछा करेगा ना? हाँ, और फिर हम उसका पीछा करेंगे। You bloody crook, आज नहीं बचेगा तू, तू और तेरी जो भी ये बॉस है, आज दोनों जेल जाओगे। आज तू बच के दिखा। अभी तक मलिष्का ने कॉल नहीं किया, पता नहीं वहां पे लक्ष्मी के साथ क्या किया होगा उसने। मैं कॉल कर लेती हूँ। नहीं, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, उसके बीच में मैंने कॉल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। हाँ यही सही होगा। इन द मीन टाइम मैं उस ओनर को सेटल करती हूँ जाके। उसको तो ऐसी धमकी दूंगी ना कि मलिष्का का नाम ही भूल जाएगा। ऐसे भगाऊंगी शहर से उसे, देखते हैं। बस यही सब हुआ था इंस्पेक्टर, जो कुछ भी मुझे याद है, जो पता है, वो सब कुछ बता दिया मैंने। इसका मतलब एक बाइकर भी इन्वॉल्व है, तो क्लियरली मर्डर की साजिश लग रही है। इंस्पेक्टर आपको बता रहा हूँ तो मुझे भी अब ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कोई हमें जानबूझकर वहां क्लिफ तक लेके गया। और यहाँ पे भी जो लक्ष्मी को मतलब जो लेडी यहाँ पे मारने आई थी लक्ष्मी को, वो उसने मास्क पहना हुआ था तो क्लियरली उसका चेहरा याद नहीं मुझे, लेकिन आई एम श्योर वही सस्पेक्ट है। हमारे लिए भी वो लड़की ही प्राइम सस्पेक्ट है। उसका हुलिया बताएंगे? उसका चेहरा देखा था आपने? वही आपसे कहा कि मैं देखा था उस लड़की को, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था तो मैं सही से पहचान नहीं पाया। कल तुमने यहाँ देखा क्या? एक्सीडेंट के वहाँ भी देखा तुमने उसे? नहीं, लेकिन वो वहाँ हो सकती है, मैंने देखा नहीं, लेकिन हो सकती है डैड कि वो वहाँ रही हो। बट यहाँ पे उसने उसका चेहरा देख नहीं पाया, मैंने उसे मास्क पहना था, ढंग से पहचान नहीं पाऊंगा उसे मैं, मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, वो लड़की जल्द मिल जाएगी। वीर सर मैं आपको जल्दी अपडेट करता हूँ, फिलहाल मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी मेरी बच्ची, प्लीज प्लीज हाथ मत लगा। मेरी बच्ची, ये पुलिस केस है। क्या हो गया लक्ष्मी? लक्ष्मी बेटा तू नहीं, तू ऐसे ऐसे घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। लक्ष्मी मेरी बच्ची है, बच्ची है मेरी। तू किसी को हम सबको ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती लक्ष्मी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो लक्ष्मी नहीं होगी। डैड आएंगे ना, डैड आते ही मुझसे ही कहेंगे ऋषि वो लक्ष्मी नहीं है। कुछ नहीं हुआ तेरी लक्ष्मी को, और बोलेंगे ऋषि जा जल्दी से लक्ष्मी को ढूंढ के लेकर आ मेरे पास, ठीक है? लक्ष्मी नहीं हो सकती, वो नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं होगी। Thank you.
डैड अपनी लक्ष्मी नहीं रही, लक्ष्मी नहीं रही ऋषि। डैड 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 क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता ना डैड। अब आप नहीं नहीं मैं मान ही नहीं सकता, लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नहीं थी। मैं जानता हूँ डैड आपसे कोई गलती हुई है डैड। काश मैं कह रहा हूँ ना, वो काश मुझसे कोई गलती होती ऋषि, लेकिन नहीं वो डैड क्यों बोल रहे हैं डैड, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना आपके सामने, मैं जिंदा हूँ ना तो लक्ष्मी को भी कुछ नहीं होगा डैड। वो लक्ष्मी नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। ये ना सब नहीं, ये वो पॉसिबल लक्ष्मी नहीं है। उस लड़की का काम है जो डॉक्टर बन के आई थी, उसी का काम है ये। मैं मान ही नहीं सकती, लक्ष्मी नहीं है वो। प्लीज चुप रहना, उनको कुछ भी मत बोलना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी को मार दी, मार दी। तुम्हारे चेहरे पे ये खून 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 कैसा है, खून कैसा है ये? अनुष्का लक्ष्मी को लक्ष्मी मार रहा है, मार रहा है क्या? बोलो ना अनुष्का, क्या बिगाड़ा था उसने, तुमने मारा क्या? लक्ष्मी का खून है ना, वो वार्ड, वो तुम मास ला के तुम आई थी ना, वो वहां पे आईसीयू में लक्ष्मी को मारने अटैक किया था ना तुमने, उसका मतलब एक्सीडेंट भी तुमने किया। मेरा और लक्ष्मी का हमें खाई से नीचे तुमने गिराया ना, अरे बिगाड़ा क्या था उसने, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर आने ही वाले होंगे, ही विल अटेंड टू इट। पूछ हेतल, तूने केसर के साथ क्या क्या नहीं किया? जयदीप मेन और जिनल को इसके खिलाफ भड़काया, गौरी पूजा में तमाशा किया,
पानी की टंकी में डुबो कर मारने की कोशिश की और आप पूरे घर को जला दिया। इसके लहंगे में बारूद भर के इसे जिंदा जलाने की कोशिश की तुमने और इसने इसने हर बार तुम्हारा साथ दिया। हम सबसे लड़कर मुझसे लड़कर तुझे इस घर में ले आई। हर बार कहती रही हेतल काकी अपनी है, इन्हें एक और मौका दे दीजिए। आज अगर इसने अपनी जान को खतरे में डालकर तुम दोनों की जान नहीं बचाई होती तो क्या होता? एक बार अपनी बच्ची की ओर देख। अगर बारूद के बावजूद धधकती हुई आग में ही सने कूद कर तुम दोनों को नहीं बचाया होता तो क्या इस समय ध्रुवी तेरे सामने होती? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ट्राई करके देखो बेटा, गारंटी साथ है, कचूचू पसंद जरूर आओ से। खून निकाल दिया। गलती हो गई। जानता है कितना कीमती होता है ये खून? जानता है? तुम तो वही हो ना रील वाली आरती। राइट, सो गुड टू सी यू स्टिल अलाइव। ने किसी लड़की को देखा था इसने ग्रीन सूट पहना हुआ था? 30 साल की उम्र होगी। ग्रीन सूट? हाँ। या राइट, वो इस तरफ गई। थैंक्स। या इतने सालों बाद परिवार को इकट्ठा करना असंभव था, पर केसर ने इस असंभव को संभव बना दिया। आसमान में छेद कर कर दिखा दिया केसर ने। फोही जिनल काकी, मुझे एक मौका दे दीजिए। समय नो कांटो फरी गयो अंबिका बहू, अभी सब इसके साथ है। बड़ी पूजा के बाद सबसे पूछ ले कि केसर को इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार है या नहीं। अरे ये फूल तो खत्म हो गए, मैं लेकर आती। Can we talk? हाँ, बस 5 मिनट चाहिए थी, इन फूलों का वेट कर रही है। क्या हुआ? हमें हमारी मर्यादा में रहना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। Dad, please sit down. आओ, guys, सब आओ।
आजा जल्दी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आप सभी से। आप प्लीज बैठिए। बुआ जी बैठिए, कम कम कम। रणवीर सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक नहीं, सब बहुत ज्यादा ठीक है, एक्स्ट्रा ठीक। आई टेल यू हाउ। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया पंडित जी का, और पंडित जी ने मुझे ऐसा कहा कि शादी का सबसे अच्छा मुहूर्त अगर है तो वो परसों है। परसों? परसों तो बहुत जल्दी है। Yes! देखो इस चिपकली को, अंदर रूम में तो मुझसे प्रॉमिस कर रही थी कि रणवीर से मेरी शादी करवाएगी, और यहाँ सबके सामने खुश हो रही है। एकदम पलटी मार ली इडियट ने। मैं ना वो फ्रॉक लूंगी चमकीले वाला, कितना चमकता है ना वो। हाँ, और चूड़ियां भी पहनूंगी, वो भी चमकेगी। okay. और बिंदी भी लगाऊंगी। लिपस्टिक लगा ले, चलेगा ना? मना नहीं करोगे ना प्लीज? कोई नहीं मना करेगा, और अगर कोई मना किया ना तो मैं हूँ ना। और आप चेन भी पहन लेना, बहुत अच्छा लगे। सारी विशेस पूरी कर लो। तब तो मैं दुल्हन से भी अच्छी लगूंगी, देख लेना। सबसे और मैं ना बहुत सारा डांस करूंगी, इतना 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 ऐसे ऐसे। बड़े मम्मी आप भी डांस करना। ओके, और दीदा आप भी, आप बहुत अच्छा डांस करते हो सर जी। अच्छा और हम? ठीक है, तो फिर मैं बहुत सारा डांस करूंगी। अच्छा और हम? चलो मैं ना तैयारी करके आई। तब तक अरे आराम से बेटा, देख के ये बच्चे ना आजकल क्या है। टेल यू रणवीर, क्या खबर सुनाई है यार? मुंह मीठा तो बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इतना शुभ काम हो रहा है वो भी एक ही दिन पे, तो मुंह मीठा करना तो बनता है। वैसे किसी ने सोचा नहीं था कि 3-4 दिन में इतना सब कुछ बदल जाए। आई मीन मेरी प्राची की शादी हो जाएगी। I mean to say कि प्राची की शादी रणबीर से हो जाएगी, सोचा नहीं था। पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि आप सब जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है और वेन्यू इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करते हैं और एक हफ्ते बाद का या मे भी 10 दिन बाद का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, है ना गाइस? नहीं नहीं, क्या जरूरत है? पहले के जमाने में तो घर में ही तो शादियां हुआ करती थी। कौन वेन्यू चैनू ढूंढता था शादियों के लिए? क्यों जी, घर में ही होती थी ना। हाँ टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले तो बस लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर आते थे और वेन्यू की टेंशन ही खत्म। हाँ एग्जैक्टली, और मुझे लगता है ये बहुत सही तरीका है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। एंड जहां तक अगर आप लोगों को टेंशन है कि कपड़े कौन लेगा, शॉपिंग कौन करेगा, उस सारी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मुझे पता है मेरे अलावा तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अच्छा ये तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि ये बिल्कुल सच है। अच्छा सच से याद आया, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? प्राची मुझे पता है तुमने सुन तो लिया, ये बताओ याद कर रही हो मुझे? ठीक है, तुम शर्माओगी, तुम नहीं बताओगी, मैं ही बोल देता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अब बताओ कर रही हो? झूठ, बिल्कुल झूठ। झूठ क्यों? तुम्हें यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अगर मैंने तुम्हें अभी यकीन दिला दिया कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ, तो फिर तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे मिस कर रही हो कि नहीं? ओके हाँ बताऊंगी। ठीक है। कोई खिड़की पे है शायद, नॉक कर रहा है, मैं अभी देखती हूँ। ठीक है। अच्छा चलो देखो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊँ। पर ऐसे खिड़की में से कौन आता है? मैं आता हूँ, भूल गई कितनी बार आया हूँ। अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुम्हें याद कर रहा था? तुमने वादा किया था ना कि अगर मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ तो तुम मुझे सच बताओगी। मैं आ गया, इट्स माय प्रूफ। अब बताओ क्या कि तुम मुझे मिस कर रही हो कि नहीं कर रही हो? नहीं ऐसे नहीं, मुंह से अपनी सुरीली आवाज से, प्यार से मिस कर रही थी तुम मुझे? मैं तुम्हें
बहुत मिस कर रही थी, बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। यस, मैं यही सुनना चाहता था। बट तुम ज्यादा मिस मत करो मुझे, मैं आने वाला हूँ ना तुम्हारे घर एकदम धूला बन के घोड़ी लेके। तुम मुझे ये बताने आए थे? नहीं। तो मैं तुमसे थोड़ी बात करने आया था। क्या? तुम्हें एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तुम्हारी फोटो देखी मैंने, तुम्हारी फोटो में बात ही नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी फोटो देखता हूँ ना तो दिल की आस बढ़ जाती है, तुम्हें देखता हूँ तो दिल की सारी प्यास बुझ जाती है। मेरे दिल को थोड़ा सुकून और आंखों को सुकून चाहिए था, और दिल को थोड़ा करार, इसलिए तुम्हारा चेहरा देखने आ गया। Not bad, Mr. Kohli. Actually, पहले भी आप शेरो शायरी तो कर लिया करते थे, पर आजकल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं करने लगे। Mrs. Kohli, ये आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं क्या हूँ। अच्छा, मुझे मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। क्या? ऐसे नहीं बोल सकता, इधर आओ, कान में बोलूंगा। खुशी ने मुझे बताया कि वो ना फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हाँ चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मैं छाया तेरी, तू आंचल पापा, मामा कितनी सुंदर है ना। वो तो है, बहुत सुंदर है तुम्हारी माँ। आज अगर मामा इस घर में आई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने हमारी अधूरी फैमिली को पूरा कर दिया पापा। मैं पहले से ही जानती थी कि अगर ये काम कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा कर सकते हैं, दी करण लूथरा कर सकते हैं। बेटा, थैंक यू कि तुमने मुझ पर इतना विश्वास रखा। थैंक यू बेटा। थैंक यू पापा, आपने आपने आज मेरी अधूरी जिंदगी पूरी की है। आप पर विश्वास तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज हर वो विश्वास और गहरा हो गया है। आई नो, आपने आपने मेरा सपना पूरा किया पापा। आज मुझे लगता है कि मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई। अपनी मम्मा को घर ले। थैंक यू सो मच। क्या बे? काम करो, नीचे जाके ना मॉम की हेल्प करो बर्थडे सेलिब्रेशन में। आज बर्थडे है ना तुम्हारी मॉम का, केक भी काटना है। जैसे तुम्हारी मॉम को होश आएगा ना, सीधा इसको नीचे ले आऊंगा, ओके? उसके बाद में फैमिली गेट टुगेदर, दोज हैप्पी मोमेंट्स, हम सब एक साथ हैं, ओके? अच्छा, प्यार तेरा ऐसा कहीं जो ना मिला,
लव यू बेटा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बार टूट गई ना बस, फिर तो तेरी बहन वो बेचारी अकेली हो जाएगी। पता है तेरे को, तेरे जाने के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि सृष्टि नाम की कोई लड़की थी। और फिर आएगा तेरी बहन प्रीता का नंबर, उसको तो मैं ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगी ना। और तू ना, तू उसको बचा भी नहीं पाएगी। बॉडीगार्ड बनती थी ना, जब तेरी बॉडी ही नहीं रहेगी तो गार्ड कैसे करेगी? तेरी बहन खून के आंसू रोएगी, पहले तू मरेगी और फिर उसके बाद तेरी बहन प्रीता मरेगी। सोचना भी मत, मेरी बहन का तो बाल भी बाका नहीं कर सकता। बंद हो गई, मर गई। बहुत जाने इसमें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुम्हें नहीं लगता कि पंखुरी दी जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं, अमेरिका जाकर उससे कोई फायदा होगा? आई थिंक हमें सार्थक जीजू से एक बार मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सार्थक जीजू ने जो प्रियंका के साथ किया उनका वीडियो लीक, और जो पंखुरी का मेंटल ब्रेकडाउन है उनकी वजह से, और तुम कह रही मैं उनसे बात करूं? जितना भरोसा तुम्हें राज भाई पे है ना, उतना ही भरोसा मुझे सार्थक जीजू पे था। छोटी से छोटी बात बड़ी से बड़ी बात मैं उनसे शेयर किया करता था। इनफैक्ट जब मुझे तुमसे प्यार हुआ ना, वही बात मैंने सबसे पहले उनके सामने रखी थी। माँ उन्हें दामाद कम बेटा ज्यादा मानती थी, और उन्होंने हमारे साथ क्या किया? धोखा दिया, हमारे जज्बातों के साथ खेला। सुमित, मैं सार्थक जीजू की शक्ल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा। ओके ओके श्लोक, हम नहीं मिलेंगे उनसे। लेकिन इतने अच्छे इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया, ये पता तो लगा सकते हैं ना? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही राज। सुमित, श्लोक, सब कितना भरोसा करते हैं मुझ पे, और पंखुड़ी के साथ मैंने कितना गलत किया।
श्लोक एक बार सोच कर देखो, सार्थक जी जो इतने अच्छे इंसान थे, उनमें तुमने हमेशा अपने दोस्त को देखा है। उन्होंने हर मुसीबत में, हर खुशी में तुम्हारा साथ दिया है। एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे, मायरा के लिए बहुत अच्छे पापा थे। इस परिवार को उन्होंने हमेशा अपने परिवार जैसा चाहा है। वो इतने सीधे थे कि कभी कोई गाय उन्हें सींग मार दे तो गौ माता की जय बोलकर वापस लौटे। ऐसा इंसान ऐसी हरकत कैसे कर गया, ये बात तुम्हें थोड़ी अटपटी सी नहीं लगती क्या? प्लीज श्लोक, एक बार इस धागे की तरह ये सिचुएशन भी बहुत मिसमैच्ड है। प्लीज एक बार सोच कर देखो। आई रियली थिंक कि हमें सार्थक जी से एक बार मिलना चाहिए। और कुछ नहीं तो क्या पता पंखु दीदी के इलाज में हमें कोई हेल्प मिल जाए। तुम्हें रोकने का बस एक यही तरीका है मेरी बहन। कल वीजा इंटरव्यू के लिए यही पहनने वाली हो ना तुम? रेड लाइट चली मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब प्रियंका ऐसे जैसे ही टच करेगी उसे जोर का झटका काफी जोर से लगेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। थोड़ी अजीब बात नहीं है, इस घर में डंबल सिर्फ तुम यूज करते हो और वो भी आंगन में। हमारे रूम के बाहर बेंच पे नीचे रखे रहते हैं, जमीन पर। वहां से डंबल यहाँ पंखुरी दी के रूम में, वो भी शेल्फ के ऊपर कैसे आ सकते हैं? दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी, अगर ये डंबल प्रियंका के सर पर गिर जाता तो क्या कह रही है? कोई प्रियंका को जानबूझ के हर्ट करना चाह रहा है। खराब हो गया है, इंसुलेशन में पानी चला गया है। अरे चूहे वायर काट ले समझ में आता है, पर तार गीली होना तो मामला अटपटा लग रहा है। तुम पंकज दीदी ने भी हमारे यहाँ पर नेल एक्सटेंशन कराया था, अभी परसों की बात है। ये देखो, ये डिजाइन बनवाया था उन्होंने, अच्छा है ना? स्मित, क्या सोच रही? हाँ भाभी, यही नेल आर्ट करके दिया था हमने पंखुड़ी दी के नेल्स पर। थैंक यू।
पता नहीं भगवान सार्थक जैसे भोले भाले साबिल इंसान के साथ ऐसा क्यों करता है। वैसे सार्थक हीरा है, हीरा। हमारी शादी में कोई भी मुसीबत ना आए। और अगर मुसीबत सच में आ गई तो, और हमारी शादी ना हो पाए। अरे पंखुड़ी, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप लोग उसके इमोशंस को समझ ही नहीं रहे। प्रियंका, पहले बिजली के झटके से बची और अब जान जाते जाते बची। पंखुड़ी, प्रियंका एकदम ठीक कह रही है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा ठीक होना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इमरजेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर देता हूँ ताकि जितना जल्दी हो सके हम निकल जाएं। हम जा रहे हैं। इसका मतलब पंखुड़ी दी ने प्रियंका को चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो राजभाई के साथ अकेले अमेरिका जा सके। पर ऐसा क्यों चाहती हैं वो? और राजभाई, वो पंखुड़ी दी का इतना ख्याल रख रहे हैं, वो दी को अब्रॉड ले जाने के लिए अग्री हो गए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ, वो सारी बातें बताते जो हुआ है। ये लोग मुझसे नफरत में इतने पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे गजल ने सब पे जादू कर दिया। कोई मेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। और इनकी नफरत का शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हुई बल्कि हमारी बेचारी मुम्मू भी हो गई। मुम्मू? वो हमारी नौकरानी मुमताज। जी अब्बू जी, हमारी मुम्मू, जिसे हमने कभी अपने खानदान से अलग नहीं माना, हमेशा उसे अपना माना। वो बेचारी सारी जिंदगी हमारी खिदमत करती रही, मगर जैसे ये गजल हमारे घर में आई, इस लड़की ने उसे उसकी औकात दिखा दिया कि मुम्मू सिर्फ एक नौकरानी है। जब उसको पता चला कि रोहान की अम्मी और गजल मिलके हमारे घर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उस बेचारी ने हमें हकीकत बताने की कोशिश भी की, मगर इससे पहले कि वो हमें हकीकत बताती, इन दोनों ने उसको मार पीट कर घर से भगा दिया और चोरी का इल्जाम भी लगाया। इस लड़की को इतनी इज्जत दी, इस पे इतना भरोसा किया और ये पूरा घर साफ कर रही थी, इतनी बड़ी चोरी। खुदा कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया था। इनकी ना मैंने बात सुन ली तो ये दोनों मुझे मारना चाहती थी। मैं, मुम्मू, दादी, अम्मी, हम सब गजल की हकीकत जानते थे, अगर हमारा यकीन किसी ने नहीं किया, ना आपने ना रुहान ने। और हैदर, आपने तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे आंखों के सामने मुझे मेरा घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। गजल ने रुहान से कभी मोहब्बत की ही नहीं, वो रुहान की आड़ में आपको पाना चाहती है। आपका दूसरा निकाह हमारी जिंदगी तहस नहस कर देगा, आपका सुकून छिन जाएगा, मेरी खुशियां मुझसे छिन जाएंगी। इस गजल के काले साए में मेरा खानदान गुम होता नजर आ रहा था, मगर मेरा यकीन किसी ने नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया है, मैं क्या करूं, कैसे अपने खानदान को बचाऊं, कैसे अपना रिश्ता बचाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सबके सामने रुहान और गजल के निकाह की बात करूं। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि गजल और रुहान का निकाह हो ही जाए। हो सकता है गजल डर जाए जब इसे एहसास हो कि इसका निकाह हैदर से नहीं बल्कि रुहान से होने वाला है, तो ये अपना गुनाह खुद कबूल कर लेगी, इसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मगर नहीं, ये निकाह के लिए राजी हो गई। अल्लाह तुम्हारी और रुहान की जोड़ी कयामत तक साथ रखे। और फिर रुहान की अम्मी और इस गजल ने निकाह रोकने के लिए मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे जलाने की कोशिश की। क्या किया? रुहान की अम्मी और गजल मुझे मिलके किचन में जला के मारना चाहती थी। काश उस दिन मैं जल के मर गई होती, मगर अफसोस मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो बला बेचारी नूर पे आ गई। नूर उस गरम तेल में जा गई।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जानना चाहती है ना अम्मी कि और कौन सी वजह थी कि मैंने गजल से निकाह कर लिया। शाफ मैंने इससे निकाह इसलिए किया क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इससे निकाह नहीं किया तो खुद की जान ले लेगी। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। इधर अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और इसके साथ मैंने अपना निकाह कबूल किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे तोड़ना तो दूर, कोई मेरा वजूद भी नहीं हिला सकता। मैं वो शख्स हूं जो मर जाता लेकिन अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं आने देता। मैं बदल गया क्योंकि तुमने मुझे बरकलाया, आपके गुनाहों का कफारा मुझसे अदा करवाया और बार बार इस बात का एहसास दिलाती रही कि ये कितनी यतीम है। और सिर्फ आपकी वजह से यतीम है, इसकी बर्बादी की वजह आप है। इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे पास इसे हाँ कहने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। खुद को आबाद करने के लिए इसने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मुझे, मेरी दुआ को, इस घर को, इस खानदान को बर्बाद कर दिया। जब इस बदसात की हकीकत सबके सामने आ ही चुकी है तो फिर इसे एक लम्हा भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इस शैतान को इस घर की हद से कोसों दूर ले जाकर फेंक देना चाहिए। इतनी दूर कि हमारे घर का ख्याल भी इस तक ना पहुंच सके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो गया? हम ना उसे बहुत ही नहीं करेंगे गुनगुन। गुनगुन, आपको याद है आपकी राम आपको हमेशा क्या सिखाया करती थी? याद है क्या बोला करते थे हम आपसे? ये जो आपका शरीर है ना, इसके अंदर जो आत्मा है, आपकी आत्मा, उसकी शक्ति से ही आपका शरीर चलता है। इतनी सारी चोटें लगी है ना, ये सिर्फ आपके शरीर को लगी है गुनगुन, पर आपकी जो आत्मा है ना,
वो अभी भी सजग है। वो उठना चाहती है, हमारे साथ खेलना चाहती है गुनगुन, हमारे साथ कहानियां सुनना चाहती है, मस्ती करना चाहती है, घूमना चाहती है। अब ना आप अपने शरीर से कहिए कि बस हो गया, अब हमें अपनी रामा के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। अपनी दादी से बिजनेस करना सीखना, अपने दादू के कंधे पर घूमना है। बस अपने बाल बनाने सीखना है ना गुनगुन। अपने फूफा जी से ढेर सारे खिलौने लेने हैं। अपने चाचू की मोटरसाइकिल पर घूमना है। आपको घूमना है कि नहीं? तो बोलिए, अपनी जरी से बस हो गया, उठने दीजिए। गुनगुन, अपनी रामा की बात सुनिए। गुनगुन सुनिए, अपनी रामा की बात, उठिए। प्लीज उठो ना गुनगुन। गुनगुन अब जानती है ना कि आपका और हमारा रिश्ता साधारण नहीं है। हमने आपको पैदा नहीं किया है, इसका अर्थ जानती है ना? आपने अपनी मर्जी से हमें अपनी माँ चुना है। और हमने आपको अपनी बेटी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन बेटा, अब उठिए ना। गुनगुन एक बार आके बोलिए ना। गुनगुन आप ना जो बोलेंगे हम वही करेंगे। आप जो बनाकर खिलाने बोलेंगे ना, वही खिलाएंगे। आपको जो करने का मन कर रहा है वही करिएगा। आपको स्कूल जाने का मन नहीं करता ना, हम आपको भेजेंगे नहीं। पापा से कह देंगे आपको स्कूल ना भेजे। आप घर पर रहकर मस्ती करिएगा, हमारे साथ खेलिएगा, हम आपको कहानी सुनाएगा। आपको जो करने का मन कर रहा है वही करिएगा। पर उठ जाइए ना गुनगुन। अरे बाप रे बाप, ये माँ बेटियाँ पागल हो गई है क्या? इतनी अच्छी नई गाड़ी को तुम लोग इस तरह चला दोगे? मामा जी, ऐसी गाड़ियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन अगर राधा मोहन को इस बारे में पता चल गया ना, तो हमारी जान तो बचने से रही। चला दो, उधर भी डालो और आग लगाओ। अरे रे रे, तो गई। कितनी अच्छी गाड़ी थी। अब बस गुनगुन के चिता में भी ऐसी आग लग जाए। गुनगुन की बिहारी जी, गुनगुन आपको छोटा भाई या छोटी बहन चाहिए थी ना?
हम आपके लिए ला देंगे, आप फिर खेलिएगा उसके साथ। पर मुनूर, उसके लिए तो आपको उठना होगा ना, ताकि आप उनका ध्यान रख पाए, उनके साथ खेल पाए। क्योंकि हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी है और हम तो सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखेंगे। तो अपने छोटे भाई या छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए आपको उठना होगा कि नहीं गुनगुन? मामा की हर बात सुनती हो ना, प्लीज प्लीज इस बार भी सुनो ना गुनगुन, प्लीज उठो ना गुनगुन, उठ जाओ ना गुनगुन, प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कहा था तुमने कि साली आधी घर वाली होती है, यही कहा था ना? साली आधी घर वाली नहीं बन सकती, क्योंकि साली बहन होती है। ये वो थप्पड़ है जो तूने मुझे मारे थे। इन शॉर्ट, मनोरमा ना किसी का कर्ज नहीं रखती, बराबर लौटाती है सोच समय, समझा ना? तूने हमारी चाची जी पे हाथ उठाया, हमको काहे मार रहे हो? हमने कोनो गलती है का? रंजन की है, तो रंजन का फुलान था, इसका बनाना था साली आधी घरवाली को पूरी घरवाली बनाने की। मार मार के मारा, पुर्जा पुर्जा तोड़ दिए। हमेशा से इसकी नजर खराब लगती थी। इसका रिश्ता रिमझिम दीदी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी इसकी नजर हमेशा से हम पर भी थी। क्या कहा था तुमने कि साली आधी घर वाली होती है, यही कहा था ना? साली आधी घर वाली नहीं बन सकती।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर अगर दूल्हा ऐसा होने तो उसके माथे पे सेहरा नहीं बांधते, उसे ना ऐसा हल्दी नहीं लगाते, उसके तो मुंह पे ऐसा काले फूंकते। पंडित, तुम्हारे शब्द ठीक नहीं थे लेकिन तुम्हारी मंशा बिल्कुल ठीक है। माँ बाप होने के नाते तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक था। अगर तुम्हारी जगह हम भी होते तो हम भी ऐसे ही व्यवहार करते। इसीलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तो सब लोग एक दूसरे के फैन बन रहे हैं। एनी टाइम हम साथ साथ है गाना भी शुरू कर देंगे। क्या हुआ ब्रिज किशोर भाई साहब, ये शोर कैसा? अरे ये तो दूल्हा है ना, इसकी ऐसी हालत। ये तो दूल्हे का जीजा है ना, क्या हुआ इसे, इन दोनों को मारा है क्या? एकदम एकदम करेक्ट बोले आप। अगर लड़का ऐसा हो ना तो उसे बेटी नहीं देनी चाहिए, उसे लाकर घुसे देने चाहिए, समझे ना? अगर लड़का ऐसा हो ना तो शादी की खुशी नहीं मनानी चाहिए, शादी टूटने की खुशी मनानी चाहिए। अरे ऐसा दूल्हा मिले ना तो शादी होने पर डांस नहीं करते, गाना नहीं गाते, शादी टूटने पर डांस करते हैं, इन शॉर्ट ऐसा गाना गाते हैं। ये सुनो सुनो रे बहन और भाई, ऐसा बकवास दूल्हा मिले तो खुश हो कि नहीं उठी डोली और नहीं हुई विदाई, तैयार 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 तैयार। अगर दूल्हा ऐसा हो ना तो उसके माथे पे सेहरा नहीं बांधते, उसे ना ऐसा हल्दी नहीं लगाते, उसके तो मुंह पे ऐसा काले फूंकते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।